भाजपा ने टीएमसी पे हमला बोला है. दे हैव स्लैम टीएमसी एंड अदर इंडिया अलायंस पार्टनर्स ओवर द संदेश खली वायलेंस. बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पोक अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द संदेश खली इशू विद द ह्यूमिलेटिंग असॉल्ट्स ऑन वुमेन बीइंग ब्लॉट्स ऑन इंडियन डेमोक्रेसी टू सोसाइटी. इज ऑल्सो क्वेश्चन्ड ममता बनर्जी इनवोकिंग अ कॉन्शियंस एज अ वुमन. ही इज ऑल्सो पोस्ट क्वेश्चन टू द सीपीआईएम एंड टू राहुल गांधी सीकिंग अ पब्लिक कॉमेंट फॉर देम ऑन द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू. कि संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है. माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में. हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम. ये आपने सुना है. उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है. और यह भी टिप्पणी है कि उसके यहां पुलिस ईडी रेड करने गई थी उसी के बाद समस्या शुरू हुई. लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं निकृष्टता की पराकाष्ठा है. व्हाट इज इमर्जिंग देयर आफ्टर अबाउट द पेटेंट असॉल्ट ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमन इज अ शेम. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, clearly, of course, politics continues over Sandesh Khali. BJP slamming TMC again today. Also slamming India Alliance partners of TMC. एकदम. देखिए संदेश खाली को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो मामला दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है. बीजेपी की तरफ से बार बार से तृणमूल को एक ही बारे में बोला जा रहा है क्योंकि तृणमूल की तरफ से टीएमसी की तरफ से बार बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ दिन पहले शेख शाहजहां को सपोर्ट किए थे. उसके बाद टीएमसी का जो भी लीडर वो शेख शाहजहां के बारे में कुछ बात भी नहीं कर रहा है और टीएमसी की तरफ से शेख शाहजहां के खिलाफ में कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है पार्टी की तरफ से. मगर इसी बीच में देखा जाए तो पुलिस की तरफ से भी शेख शाहजहां के अरेस्ट करने का कोई प्रोसीड्योर नहीं हो रहा है. और इस चीज को लेकर ही अपोजिशन पार्टीज की तरफ से या तो बीजेपी की तरफ से बोल सकते हैं तो बीजेपी की तरफ से बार बार से टीएमसी के ऊपर हावी हो रहा है. सिर्फ बीजेपी नहीं संदेश खाली का जो पीड़ित नागरिक है उन लोगों को भी एक ही मांग है कि शेख शाहजहां जिसके खिलाफ में इतना कंप्लेन है शेख शाहजहां जिसके अंडर में ये दोनों काम करते थे शिबू हाजरा और उत्तम सरदार ये दोनों को अरेस्ट करने के बाद मास्टरमाइंड जो है पूरा संदेश खाली कांड का मास्टरमाइंड जो है वो शेख शाहजहां को जल्द से जल्द अरेस्ट करने का जो मांग ये मांग संदेश खाली की तरफ से भी किया जा रहा था. मगर अभी तक 46 डेज ओवर हो चुका है. अभी तक पुलिस की तरफ से शेख शाहजहां को ढूंढने का काम या तो शेख शाहजहां का अरेस्ट करने का काम नहीं कर दिया गया है. दूसरी तरफ संदेश खाली का जो रेसिडेंट है उन लोगों का भी कहना है और बीजेपी जो लीडर्स है उन लोगों का भी एक ही क्लेम है कि टीएमसी प्रशासन की तरफ से संदेश खाली का जो नागरिक है संदेश खाली का जो कंप्लेनेंट है उन लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है. रात के अंधेरे में अभी भी बाइक गैंग उधर घूम रहा है बाइक गैंग उधर जाके थ्रेटनिंग दे रहा है और प्रेशराइज कर रहा है कि जो भी कंप्लेन किया गया है वो कंप्लेन को विथड्रॉ किया जाए. इस घटना को लेकर बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर बार बार से हावी होगा जा रहा है. आज बीजेपी का जो टॉप मोस्ट लीडर्स शुभेंदु अधिकारी कल जब शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली गए थे उसी बीच में शुभेंदु अधिकारी को सामने रखते हुए संदेश खाली के जो पीड़ित महिला है वो लोग उनका जो खोफ दिखाने लगे उनके सामने आंसू बहाने लगे और बोलने लगे थे कि किस तरीके से 12 साल से उन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ जा रहा था. इस घटना को लेकर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी बार बार से कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिया जा रहा है संदेश खाली को सुरक्षा देने के लिए. और इस चीज को लेकर ही टीएमसी और बीजेपी के जो मामला वो मामला और भी जटिल होने जा रहा है. टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना बीजेपी का किया गया साजिश है. बीजेपी की तरफ से इस मामले को हाईलाइट किया जा रहा है टीएमसी का सरकार के अगेंस्ट में और बीजेपी इसी बात को सामने रखते हुए बार बार से कह रहा है कि टीएमसी की तरफ से शेख शाहजहां के खिलाफ में एक्शन लेने की जगह बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि उधर जो भी कंप्लेन कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए बहिरागत है. और इसी बात को लेकर बीजेपी फिर से एक बार टीएमसी के ऊपर हावी हो चुका है. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.